हाँ मैम, ओके दोस्तों, कल की तासिका तक हम सभी लोगों ने देख लिया यात्रा साहित्य क्या है। आज की तासिका से हम डायरेक्टली स्टार्ट करने वाले हैं कि मेरी जापान यात्रा, और मेरी जापान यात्रा को लिखा किसने है और क्या उनकी मनोकामनाएं हैं, मतलब कैसे उनका जीवन यापन चला, तो इन सभी पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि विदित ही हैं आप, कल के वेबिनार में आप लोग रहे होंगे तो आपने देखा भी होगा कि जिस प्रकार से अलग अलग साहित्यकारों ने, अलग अलग भाषा वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से चर्चा की कल के वेबिनार में, बहुत अच्छा प्रयोजन उन लोगों का था। सुकोड़, यहाँ पर यदि हम लोग देखते हैं कि हमारा यात्रा साहित्य में तो सुंदर ढंग से उन्होंने उसे प्रकट करने का प्रयास किया है, तो आज हम लोग अब तक की गई विधि को यदि आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो, आत्मसात कर चुके हैं, तो हम सभी लोग अभी आगे बढ़ेंगे। और तुकरोजी महाराज, चूंकि मेरी जापान यात्रा जो लिखा हुआ है उन्होंने लिखा, तुकरोजी महाराज जी ने, अब देखिएगा कि अब एक अलग धरा पर जाने वाला जो व्यक्ति है, मतलब अभी तक हम लोग यात्रा कर रहे थे अमेरिका की, यूरोप की, है ना, अब हम लोग सीधे चले जाएंगे अमरावती में और महाराष्ट्र में, और खास तौर पर तुकड़ोजी महाराज जो है उनके नाम के साथ ही महाराज जुड़ चुका है, और आपको पता ही होगा कि संत है तुकड़ोजी महाराज, तो भक्ति साहित्य की एक धरोहर के रूप में आत्मसात करने वाले एक स्वयं सिद्ध संत के रूप में, है ना, मतलब आध्यात्मिकता को यदि आप लोग मानते हैं या योग को यदि आप लोग मानते हैं, तो आध्यात्मिकता की भावना को यहाँ पर उजागर करने का सफल प्रयास हमारे तुकड़ोजी महाराज का था। तो ध्यान में रखिएगा, आज का जो लेक्चर है वह आपका लेक्चर अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि सिलेबस को आप लोग उठाते हो तो तुकड़ोजी महाराज का जीवन परिचय आपको पूछा जाएगा, तो आपको ये सारी जानकारी उस संदर्भ में आपको प्राप्त हो सकती है कि जैसे भारत भारत में हमारी यह जो भारत देश है, तो यहाँ भारत देश संतों की भूमि कहलाता है, और खास तौर पर महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के, भारत के महाराष्ट्र में एक संत का निर्माण हुआ और जिनका नाम है तुकड़ोजी महाराज। उनका मूल नाम माणिक बांडोजी इंगड़े था। ध्यान में रखिएगा कि आपको एकोत्तरीय प्रश्न यदि तैयार कर रहे हो या हम तैयार करेंगे, तो आपको प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि तुकड़ोजी महाराज का मूल नाम क्या था, फिर हम वहां पर अलग अलग नामों की श्रृंखला आपको दे देंगे, हीरा देंगे, माणिक देंगे, मोती देंगे, और आपको क्या लेना है, क्या लेना है आपको, उनका मूल नाम क्या है। आवाज आ रही है आपकी, फिर से ऑप्शन बताइए मैम। भारत में अनेक अपने महाराष्ट्र में अनेक अनेक प्रकार के संत हुए हैं, लेकिन तुकड़ोजी महाराज उन सभी में अपना एक अलग महत्व रखते हैं। तुकड़ोजी महाराज का मूल नाम माणिक बांडोजी इंगड़े था। फिर से एक बार बताते हैं कि तुकड़ोजी महाराज का मूल नाम माणिक बांडोजी इंगले था। आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है एकोत्तरीय प्रश्न मनुषा में, या आपके गूगल क्लासरूम पर आपको प्रश्न दिया जाएगा, तुकड़ोजी महाराज का मूल नाम क्या था, और पर्याय दिए जाएंगे नीचे, माणिक होगा, हीरा, मोती, जो भी हम अलग रूप से देंगे, तो उनका मूल नाम क्या था ऐसा प्रश्न यदि पूछा गया तो आप क्या बताओगे। माणिक पांडोजी इंगड़े। हाँ, ध्यान में रखिएगा, ये सारी चर्चा जो आज हम लोग कर रहे हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में जैसे हम लोग महाराष्ट्र की खासियत की बात करते हैं, तो भारत की जो भूमि है संतों की भूमि कहलाती है, और इस संतों की भूमि में अलग अलग पुष्पों का निर्माण हुआ, अलग अलग संतों का निर्माण हुआ, और साथ में ही तुकड़ोजी महाराज का भी जन्म इसी महाराष्ट्र में हुआ। उनका मूल नाम माणिक बांडोजी इंगड़े था। वे अमरावती जिले त्यावली ग्राम में एक निर्धन परिवार में जन्मे थे। देखिएगा कि अमरावती, मतलब अमरावती आपके हमारे निकट ही है, जैसे ही हम लोग चले जाते हैं तो हमारे अमरावती महाराष्ट्र के अमरावती, अच्छा।
यावली ग्राम में एक निर्धन परिवार में जन्मे थे। मतलब बहुत ज्यादा उनके पास पैसा था, धन था बिल्कुल नहीं, मतलब वो निर्धन परिवार में थे, उनके पास बिल्कुल निर्धन थे, वो धन नहीं था। तो ऐसे गरीब, बिल्कुल गरीब वातावरण में हमारे तुकड़ोजी महाराज का जन्म हुआ। फिर से एक बार बताएंगे आपको कि तुकड़ोजी महाराज का मूल नाम माणिक बंडोजी इंगले था। वे अमरावती जिले के यावली ग्राम में एक निर्धन परिवार में जन्मे थे। और आपको और एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो किनके शिष्य थे। तो जैसे देखिएगा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि वो संत थे, है ना। संत और भक्त इन दोनों में अंतर है। जब आप लोग आगे हम लोग चलते जाएंगे तब आपको संत और भक्त इन दोनों का अंतर भी, डिस्टेंस भी आपको बताते जाएंगे। तो देखिएगा कि संत वो स्वयं सिद्ध संत वो होते हैं जो आध्यात्मिकता का आश्रय लेते हैं, योगाभ्यास का आश्रय लेते हैं, साधना करते और खुद की साधना से जिन्हों इन लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त होता है। मतलब दाय सेल्फ, अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं। और जब ऐसे व्यक्ति के पास जब धन ही नहीं रहता है, लेकिन उनकी घुमक्कड़ प्रवृत्ति थी तो उनको घूमना बड़ा अच्छा लगता है। तो देखिएगा कि विकट परिस्थितियों में भी, समस्याएं बहुत होने के बावजूद भी तुकड़ोजी महाराज ने अपना कार्य करते रहे। मतलब निरंतर रूप से घूमने का प्रयास वो करते रहे। और जब वो घूमते रहे तो निरंतर रूप से घूमने के पश्चात उन्हें जो भी एहसास हुआ कि हमारे अंदर एक रेसिडुअल एनर्जी होती है, एक ऐसी शक्ति होती है जो एक पूरे सृष्टि को चलायमान होती है। और फिर जाके उन्होंने आध्यात्मिकता के उस मार्गों को देखा। जब आप तुकड़ोजी महाराज के ग्राम गीता को पढ़ते हो ना, तो ग्राम गीता में उन्होंने डायरेक्टली बता दिया है कि जैसे मनुष्य के शरीर के भीतर 7 प्लेक्सेस होते हैं ना, मतलब अभी आप लोग शायद नहीं जानते हो, योगाभ्यास आपको पता ना होगा, लेकिन योग की बातें यदि उन्होंने की तुकड़ोजी महाराज जी ने, तो तुकड़ोजी महाराज का मूल प्रयोजन क्या था, तो केवल अपने आप को जानना ही नहीं था, बल्कि वो हमने जो जाना हुआ है वो दूसरों को बताना है, है ना। तो ग्राम गीता में उन्होंने अपने षट चक्र वेदन का उल्लेख किया, जिस प्रकार से यदि हम बात करते हैं तुकाराम जी की, ज्ञानेश्वर जी की, तो ज्ञानेश्वर जी ने भी अपने अध्यायों में, मतलब अपना जो 8वां अध्याय उठाते हैं ज्ञानेश्वरी का, तो उसमें भी उन्होंने इसे बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप में बता दिया। तो ठीक उसी प्रकार से तुकड़ोजी महाराज रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। अब हमारी आवाज आ रही है जी मैडम? जी मैम। हाँ ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे तुकड़ोजी महाराज की, तो जिस प्रकार से तुकड़ोजी महाराज ने अपना कार्य किया और वो कार्य करते हुए आध्यात्मिक धरोहर को, योग को, या हम यूँ कहें कि उनकी जो भी साधना रहे, है ना, तो उनकी साधना के अलग अलग परामर्श रहे। तो जिस प्रकार से परामर्श की बात यदि हम लोग करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा कि जब कुंडलिनी जागरण की बात उन्होंने कही, चटचक्र भेदन की बात उन्होंने कही, तो निश्चित ही तौर पर उनका गहन अध्ययन था, साधना का एक मार्ग उन्होंने चुना हुआ था। क्योंकि तुकड़ोजी महाराज एक महान स्वयं सिद्ध संत थे, उनका प्रारंभिक आध्यात्मिक योगाभ्यास जैसे साधन मार्गों से परिपूर्ण था, तो उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन का अधिकांश समय रामटेक में, सालवर्डी में, रामधिघी में, गोदोड़ा में इस और बिहट जंगलों में बिताया था। आपको यदि सवाल पूछा जाता है कि
तुकड़ोजी महाराज ने अपना प्रारंभिक जीवन अधिकांश समय उन्होंने कहाँ पर बिताया, तो आपको एकोत्तरी प्रश्न मंजूषा में भी प्रश्न आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि रामटेक में, सालबरडी में, रामदीघी में और गोंदोड़ा में, और उनके साथ उनके बिहट जंगलों में भी उन्होंने अपना अधिकांश समय बिताया। देखिएगा कि हम आपको बता चुके हैं कि जिससे भारत के अनेक महाराष्ट्र में जो संत हुए उन संतों में तुकड़ोजी महाराज का नाम अग्रेसर होता है। उनका मूल नाम माणिक पांडोजी इंगले था। वे अमरावती जिले के यावली ग्राम में एक निर्धन परिवार में जन्मे थे। बिल्कुल निर्धन परिवार उनका था, मतलब गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। और जब वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति को आत्मसात करते थे, सिर्फ रियलाइजेशन को उन्होंने अपने बलबूते पर प्राप्त किया था, लेकिन लोगों को कहीं यह गलतफहमी न हो जाए, इस कारण उन्होंने अपने सेल्फ रियलाइजेशन को अपने गुरु के जरिए उसे देने का, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, और अतः वो आड़कोजी महाराज के शिष्य बन गए। तुकड़ोजी महाराज एक महान स्वयं सिद्ध संत के रूप में आते हैं। उनका प्रारंभिक जो जीवन रहा, वह प्रारंभिक जीवन आध्यात्मिक योग अभ्यास और साधना मार्गों से परिपूर्ण ऐसा दिखाई देता है। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन का अधिकांश समय रामटेक में, सालवरडी, रामदीघी, गोंदोड़ा, इनके बिहट जंगलों में बिताया। यद्यपि औपचारिक रूप से बहुत ज्यादा उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, मतलब देखिएगा कि यदि हम लोग जानते हैं ज्ञानेश्वर जी को, तुकाराम जी को, तो क्या ये सभी संत किसी स्कूल में, किसी पाठशालाओं में गए थे? नहीं, निश्चित ही तौर पर नहीं। लेकिन उन्होंने अपने वक्तृत्व के कारण, अपने कर्तृत्व के कारण एक ऐसी अनोखी छाप पूरे समाज पर छोड़ दी। ठीक उसी प्रकार तुकड़ोजी महाराज ने भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति के दौरान अपने योग के अभ्यास के माध्यम से, साधना के अनेकानेक मार्गों के जरिए उन्होंने बहुत उच्चतम शिक्षा को प्राप्त किया। और वो जो उच्चतम शिक्षा उनकी थी, वो औपचारिक शिक्षा के रूप में नहीं थी, अभी तो हम यूँ कह सकते हैं कि उनकी आध्यात्मिक शिक्षा एक उच्च स्तर की थी। और जब उनकी भक्ति के बारे में, उनके गीतों की भक्ति में या उनके नैतिक मूल्यों की यदि हम लोग बात करते हैं, तो इतना व्यापक रूप हम सभी लोगों को मिल जाता है। अब देखिएगा कि एक वाद्य यंत्र होता है, खंजरी जिसे हम लोग कहते हैं ना। अब देखिएगा कि जैसे खंजरी होती है ना, तो उस खंजरी को बजाया जाता है, एक पारंपरिक वाद्य यंत्र होता है, आपको पता होगा, तो बहुत ही अद्वितीय वो बजता है, यदि आप लोगों ने बजाया होगा तो वो। और जब वो बजाते थे तो उनका अपने आप बजना एक अनूठा होता था। हालांकि वो अविवाहित रहे, मतलब यदि आपको प्रश्न ऐसा किया जाता है कि तुकड़ोजी महाराज की पत्नी का नाम क्या था, तो उनकी कोई पत्नी नहीं थी, ध्यान में रखिएगा, तुकड़ोजी महाराज जीवन पर्यंत अविवाहित रहे, परंतु उनका पूरा जो जीवन था, वह पूरा जीवन जाति, वर्ग, पंथ या धर्म से परे समाज की सेवा के लिए समर्पित था। मतलब देखिएगा कि एक ऐसा वैश्विक धर्म को उन्होंने अपनाया, न किसी जाति के बारे में चर्चा की, न किसी पंथ के बारे में चर्चा की, न किसी धर्म के बारे में उन्होंने चर्चा की, बल्कि हम यूं कहें कि वो परिपूर्ण रूप से आधुनिक आध्यात्मिक जीवन में लीन थे। उनके द्वारा सूक्ष्मता से मनुष्य के उस स्वभाव का अवलोकन किया जाता था, ताकि उन्हें उत्थान के उस राह पर हम लोग प्रवृत्त कर सके। अब देखिएगा कि किस प्रकार से उनके पास वो एक ऐसी दृष्टि थी कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में हृदय की पवित्रता को किसी के लिए भी मन में द्वेष भाव न रखने का पाठ पढ़ा। मतलब एक ऐसी स्वानुभूत दृष्टि थी। यदि हम लोग नागपुर में चले जाते हैं, तो जिस प्रकार से हमारे जलगांव में महात्मा गांधी चौक होता है ना, लाल बहादुर शास्त्री चौक होता है, ठीक उसी प्रकार नागपुर में तुकड़ोजी महाराज की मूर्ति बहुत बड़े मायने में दिखाई देती है। तो देखिएगा कि जब हम उनकी भक्ति को देखते हैं, है ना, उनके गीतों को देखते हैं, तो उनके भक्ति में, उनके गीतों में हमें एक भक्ति, एक नैतिक मूल्य दिखाई देते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा व्यापक स्तर उसका दिखाई देता है।
और उनकी खंजरी जो है एक पारंपरिक वाद्य के रूप में अद्वितीय रूप से वो बजाते थे। वो उनका बजाना इतना अनूठा होता था कि सारे लोग आकर्षित हो जाते थे, है ना। जिस प्रकार से हम कहे कि श्री कृष्ण जब बांसुरी को बजाते थे तो केवल गोपियां ही आकर्षित नहीं होती थी, बल्कि हम यूं कहेंगे कि पूरी गायों का गायें भी वहां पर आ जाती थी, चरागाह वहां पर आ जाते थे। तो ठीक उसी प्रकार जब तुकड़ोजी महाराज खंजरी को बजाते थे, गीतों को आत्मसात करते थे, हम देखिएगा, हमने आपको बताया कि उनके औपचारिक रूप से उनकी शिक्षा ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम उनकी शिक्षा को देखें तो उनकी आध्यात्मिक भावना, उनकी आध्यात्मिक शिक्षा उच्च स्तर की थी। जितनी मूल भावना के रूप में, नैतिक भावना के रूप में, भक्ति के रूप में, दर्शन के रूप में, अध्यात्म के रूप में हम आज जितना ज्ञानेश्वर जी को मानते हैं, जितना नामदेव को मानते हैं, है ना, उतना ही हमें तुकड़ोजी महाराज को भी मानना होगा। क्योंकि यहाँ पर किसी एक जाति को लेकर, किसी एक वर्ग को लेकर, किसी एक पंथ को लेकर या किसी एक धर्म को लेकर चर्चा उन्होंने नहीं की, बल्कि उन्होंने पूरे समाज की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यूं कहिएगा कि जैसे पूरा आध्यात्मिक जीवन वो परिपूर्ण रूप से उसमें वो अपने जीवन में पूरी तरीके से लीन रहे। उनके द्वारा सूक्ष्मता से मनुष्य के स्वभाव का अवलोकन किया जाता था। मनुष्य का अवलोकन करना और मनुष्य के स्वभाव का अवलोकन करना आसान बात नहीं है दोस्तों, लेकिन वही बात उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाई और उसी बात को उन्होंने इस प्रकार से अग्रसर किया कि उनके उत्थान के राह पर मनुष्य का जो उत्थान होता है तो मनुष्य के उत्थान के राह पर उसे प्रवृत्त किया जा सके। और उनके पास सानुभूत दृष्टि थी। स्वानुभूत दृष्टि माने क्या कि मेरे हृदय में क्या चल रहा है, तुरंत समझ में आना, दैट्स कॉल्ड स्वानुभूत, अपने आप को जानने की कला। और अपने पूरे जीवन में उन्होंने हृदय की पवित्रता को, और खास तौर पर उन्होंने अपने मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना रखने का पाठ पढ़ा। मतलब जैसे अपने प्रारंभिक जीवन में यदि हम भक्तिपूर्ण गीतों को उनके गाते हुए दिखते हैं, तो हालांकि बीतते समय के साथ साथ उन्होंने समाज को भी यह बतलाया कि भगवान केवल मंदिर में, चर्च में या मस्जिद में नहीं रहता। जिस प्रकार से हम लोग कबीरदास जी की बात करते हैं तो कबीरदास जी ने तुरंत कहलवा दिया, याद आ रहा होगा, ना मंदिर ना मस्जिद ना काबे कैलाश में। तो ये जो कबीरदास जी की कही हुई वाणी है, कहीं ना कहीं कबीरदास और तुकड़ोजी महाराज एक जैसे लगते हैं। मतलब जैसे कबीरदास जी ने मंदिर में रहने वाले, चर्च में रहने वाले, मस्जिद में रहने वाले उस अल्लाह को, उस भगवान को नहीं, बल्कि चराचर में हर जगह पर प्राप्त होने वाले, सृष्टि के रोम रोम में रहने वाले उस परमात्मा के असीम दर्शन को लिया, ठीक उसी प्रकार तुकड़ोजी महाराज ने भी भगवान की शक्ति को उसी रूप में आत्मसात करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को, मतलब उनके जितने भी शिष्य थे, उनके शिष्यों को आत्मबोध के पथ पर चलने की उन्होंने सलाह दी। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक पुरोहितों का विरोध किया। जैसे हम आपको पता होगा कि कबीरदास जी का यदि एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, तो कबीरदास जी ने जिस प्रकार से अपने पुरोहित, अपने पंडितों का विरोध किया, मतलब पोथी पढ़ी पढ़ी जगम हुआ, पंडित भयान कोई ढाई आकर पड़े सो पंडित हो, पंडितों के विरोध में बहुत बड़ा तमाचा था जब उन्होंने ये बात कही। और उसके साथ साथ वो जब मुस्लिम के मुल्लाओं के पास चले जाते हमारे कबीरदास जी, तभी वो यहाँ पर उन्होंने वही बात कही। क्या कहा उस समय में कि तापर मुल्ला बांगे क्या बहरा हुआ कूड़ा है, मतलब दिन भर रोजा रखते रात अनते गाय, तापर मुल्ला बांगे क्या बहरा हुआ कूड़ा, इतने जोर जोर से तुम अल्लाह को पुकारते हो क्या तुम्हारा अल्लाह बहरा हो गया। और ठीक उसी प्रकार उन्होंने पंडितों के विरोध में बात की। आ जाइएगा यहाँ पर, ठीक वैसे ही जैसे कबीरदास जी ने अपने जीवन में उन पंडितों का, उन मुल्लाओं का कड़ा तीखा व्यंग किया, विरोध किया, ठीक उसी प्रकार तुकड़ोजी महाराज ने भी, जो वह अमरावती जिले के
येवली में रहने वाले थे, उन्होंने वहां से लेकर अपनी जो यात्रा बढ़ाई, अनेक अनेक प्रकार के प्रार्थना स्थलों में उन्होंने विजिट किया, उन्होंने भेंट दी वहां पर, और भेंट देने के पश्चात उन्होंने उन पुरोहितों का विरोध भी किया और साथ में अपने आंतरिक मूल्यों को सार्वभौमिक सत्य का उन्होंने प्रसार किया। अभी सार्वभौमिक सत्य क्या, ये आंतरिक मूल्य क्या है, ये सेल्फ रियलाइजेशन वाली बात क्या है, जिसे हमने अभी अभी आपको बताया कि अपने मनुष्य के शरीर के भीतर 7 प्लेक्सेस होते हैं। डू यू नो 7 प्लेक्सेस, क्या आप लोगों को पता है ये 7 प्लेक्सेस कौन से होते हैं? आपसे बात कर रहे हैं हम लोग, हवाओं से बात नहीं कर रहे हैं। क्या आपको प्रश्न समझ में आया? लेक्चर चल भी रहा है या बंद पड़ गया? आप लोग सुन रहे हो? हमारी आवाज तो आ रही है आप लोगों तक? हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? यस मैम। अरे इतनी देर क्यों लगाते हो यार, मेरे समझ में नहीं आता कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हम कैसे पता चले आप? ठीक है, सिर्फ रियलाइजेशन की बात हम लोग कर रहे थे। हमारे शरीर के भीतर 7 प्लेक्सेस होते हैं और उन 7 प्लेक्सेस को जैसे ग्राम गीता में तुकलोजी महाराज ने बताया हुआ है, तो तुकलोजी महाराज के उन बताए गए आंतरिक मूल्यों के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, उनके सार्वभौमिक सत्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिस सार्वभौमिक सत्य का उन्होंने प्रसार किया, आंतरिक मूल्यों का उन्होंने प्रसार किया। तो तुकलोजी ने सामूहिक प्रार्थना पर बल दिया, मतलब जैसे कलेक्टिव रहने का बल दिया, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि अकेले नहीं रहना चाहिए, अकेले घर में भी बैठते हैं और घंटी कितनी भी बजाते तो भगवान हम लोगों को प्रसन्न नहीं होता, उस भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें कलेक्टिवली प्रेयर करना चाहिए। तो वैसे ही सामूहिक प्रार्थना करने के लिए तुकड़ू जी ने बल दिया, और जिसमें जाति धर्म से परे सभी लोग भाग ले सकते हैं। संपूर्ण विश्व में उनकी प्रार्थना पद्धति वस्तुतः अद्वितीय एवं अतुलनीय थे। उनका दावा यही था कि उनकी सामूहिक प्रार्थना पद्धति समाज को आपस में भाईचारे के रूप में प्रेम की श्रृंखला के रूप में बांध सकती है, और यह प्रेम की श्रृंखला में बांध सकने में सामूहिक प्रार्थना सक्षम है, ऐसा तुकड़ोजी महाराज का कहना था। इतना समझ में आया आपको? इतना समझ में आया जी, जी मैम। आगे बढ़े। Yes, ma'am. आगे बढ़ना है। Yes, ma'am. Okay. देखिएगा कि इनका प्रारंभिक जीवन कहाँ से हुआ, तो जैसे कि आपको सबसे पहले बता चुके हैं कि परम पूजनीय राष्ट्र संत तुकोजी का जो जन्म हुआ 30 अप्रैल 1909 को महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जनपद के यावली नामक एक दूर दराज के गांव में बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। फिर से एक बार बताते हैं, परम पूजनीय राष्ट्र संत तुकड़ोजी का जो जन्म हुआ वो 30 अप्रैल 1909 को महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जनपद के यावली नामक एक दूर दराज के गाँव में बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। बहुत अच्छे अच्छे जो विद्वान है वो संपन्न परिवार में आते हैं, लेकिन देखिएगा कि बहुत ही गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ। पहली लाइन समझ में आई आपको? क्लियर हो गई? हमने आपको बताया कि राष्ट्र संत तुकड़ोजी का जो जन्म है 30 अप्रैल 1909 को महाराष्ट्र के अमरावती जनपद के यावली नामक एक दूर दराज के गाँव में बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। और हाँ बताइए, इसी पंक्ति को आप अभी दोहराइएगा। राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, किस परिवार में हुआ? अमरावती जिले के यावली गांव में हुआ।
उनका जन्म कब हुआ? 30 अप्रैल 1909 को जी। 30 अप्रैल 1909 में। ओके। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा यावली और वर्खेड में पूरी की। अब देखिएगा इनकी प्राथमिक जो शिक्षा है वह प्राथमिक शिक्षा यावली गांव में, जैसे कि उनको आप सभी लोगों को पता ही है कि उनका जन्म जो है यावली में हुआ, तो इनकी प्राथमिक शिक्षा स्वाभाविक तौर पर यावली और वर्खेड में पूरी की। अपने प्रारंभिक जीवन में उनका संपर्क बहुत सारे महान संतों के साथ हो गया था। अब देखिएगा कि जैसे जैसे हम लोग अपने जीवन की नौका को आगे बढ़ाते चलते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी संगत कैसे लोगों के साथ हम लोग रहते हैं, और जिन लोगों के साथ हम लोग रहते हैं वैसे हमारी मेंटालिटी भी वैसी हो जाती है। हमारे जो संत थे तुकड़ोजी महाराज, ये बहुत ही महान संतों के संपर्क में आए, और समर्थ आड़कोजी महाराज ने उनके ऊपर अपने स्नेह की वर्षा की। चूंकि वो गरीब परिवार से थे तो कोई ना कोई तो आशीष प्रदान करने वाला होना ही चाहिए, तो आड़कोजी महाराज ने उन्हें अपने स्नेह की वर्षा की, और जो योग शक्ति याद थी उन योग शक्तियों से उन्हें विभूषित किया। मतलब देखिएगा कि जैसे योग होता है, हम लोग योगा डे मनाते हैं, आपको पता है कब मनाते हैं योगा डे, आपको याद है क्या? कौन से महीने में मनाते हैं, कौन से डेट को मनाते हैं, बताइएगा थोड़ा। अब सभी लोगों से गुजारिश है योग दिन कब मनाया जाता है, ये मेरा इतना सिंपल सा प्रश्न है। कब मनाया जाता है? पता नहीं, लेकिन अभी ध्यान में नहीं है। हाँ जी बताइएगा। योग दिन कब मनाया जाता है बोलोगे? बोल पाओगे या नहीं बोल पाओगे? कुछ खाना वाना खा रहे हो क्या? मैम 21 जून को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 21 जून को योग दिन मनाते हैं, तो इसे योग अब देखिएगा कि जो योग शक्ति होती है तो इस योग शक्तियों से विभूषित किया गया। अब देखिएगा कि जब हम ग्राम गीता को पढ़ते हैं ना, तो उस ग्राम गीता में पूरा आपके शरीर का वर्णन दिया हुआ है। जो 7 plexus की हम बात कर रहे हैं ना, जो योग की बात कर रहे हैं, तो इसी योग शक्तियों से विभूषित होने वाला जो आड़कोजी महाराज जी जो थे, तो आड़कोजी महाराज ने उनके ऊपर स्नेह की वर्षा की, उन्हें आशीष प्रदान किया, और अपनी जो योग शक्तियां थी उन योग शक्तियों को उन्होंने उसे विभूषित करवा दिया। अब देखिएगा कि मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनाद, विशुद्धि, आज्ञा, और लास्ट वाला होता है सहस्रार। तो ये 7 plexus हैं आपके शरीर के भीतर के। अब जिसे हम पेल्विक, आर्टिक, सोलर, कार्डियक, इस प्रकार के इन नामों के साथ जिसे हम लोग अब कहते हैं, तो यही योग शक्तियों को ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से भी जाना जाता है। अब ये क्या होते हैं हम लोग नेक्स्ट तासिकाओं में देखेंगे, लेकिन देखिएगा कि संत तुकड़ोजी महाराज का जो कार्य है, तो तुकड़ोजी महाराज का कार्य कब से स्टार्ट हुआ? तो 1935 में तुकड़ोजी महाराज ने साल बरडी की पहाड़ियों पर महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया। अब देखिएगा, आपको सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि उनके प्रारंभिक जीवन में कहाँ तुकड़ोजी महाराज ने यज्ञ का आयोजन कब किया? तो 1935 में किया। कहाँ किया? तो साल बरडी की पहाड़ियों पर यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ की विधि महारुद्र की थी, ध्यान में रखिएगा। तो महारुद्र यज्ञ का उन्होंने आयोजन किया 1935 में। तुकड़ोजी महाराज ने साल बरडी की पहाड़ियों पर महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें 3 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। उस समय की बात करें 1935 के, है ना, और जिसमें 3 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया, और इस यज्ञ के बाद उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई, और वे पूरे मध्य प्रदेश में सम्माननीय हो गए। अपनी ख्याति को प्राप्त करने के लिए कोई न कोई तो बहाना चाहिए,
है ना, कोई कार्य ऐसे जरूर करना चाहिए हम लोगों को ताकि हम अपना एक अलग विशिष्ट महत्व रखें। तो उन्होंने क्या किया, जैसे योग शक्तियों को आत्मसात किया, योग शक्तियों को आत्मसात करने के पश्चात 1935 में टुकड़ो जी ने साल बरेडी की पहाड़ियों पर महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया और उस आयोजन में 3 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि टुकड़ो जी महाराज ने कौन से यज्ञ का निर्माण किया, महारुद्र यज्ञ का, कहाँ किया, सालबरडी की पहाड़ियों पर किया, कब किया, 1935 में किया, किसने किया। सवाल ऐसा भी उल्टा घूम के आ सकता है कि महारुद्र यज्ञ का आयोजन किसने किया, और इंटू ब्रैकेट में होते तुकड़ोजी महाराज, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, याद रखिएगा तुकड़ोजी महाराज। तो एक ही पंक्ति पर आने वाले सवालों को आपको ध्यान से देखना है। प्रश्न आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि उस महारुद्र यज्ञ के आयोजन में कितने लोगों ने हिस्सा लिया, 3,00,000, 3,00,000, याद रखिएगा 3 को याद करना है और लाख को भी याद करना है। इस यज्ञ के बाद टुकड़ो जी महाराज की ख्याति दूर दूर तक फैल गई, लेकिन वो कहाँ पर फेमस हो गए, मध्य प्रदेश में फेमस हो गए। मतलब देखिएगा कि जब महाराष्ट्र की भूमि है, महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ है, तो खास तौर पर महाराष्ट्र के एरिया में उनका प्रचलन होना जरूरी था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि जहां पर जिसका जन्म होता है उसकी और ध्यान देने का लोगों का नजरिया कुछ डिफरेंट होता है। अब देखिएगा कि वो जैसे मध्य प्रदेश में सम्मान्य हो गए, 1936 में महात्मा गांधी के द्वारा सेवाग्राम आश्रम में उन्हें निमंत्रित किया गया। अब बात चल रही महात्मा गांधी की, अब देखिएगा कि जहां पर हम महात्मा जी की बात कर रहे हैं, मतलब निश्चित तौर पर स्वतंत्रता संग्राम की बात चल रही है। तो जहां पर लगभग वहां जैसे 1936 में उनको महात्मा जी के सेवाग्राम में बुलाया, निमंत्रण दिया गया, तो वहां वह लगभग एक माह तक रहे, और उसके बाद टुकड़ोजी ने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों के द्वारा पूरे समाज में जन जागृति का कार्य प्रारंभ कर दिया। मतलब 1935 तक केवल वो कार्य करते थे, केवल अपना अपना कार्य करते थे, अपने दिनचर्या को प्राप्त करते थे, अपने योग शक्तियों को आत्मसात करते थे। लेकिन 1936 के पश्चात जब वो महात्मा जी के सानिध्य में आए, महात्मा जी के आश्रम में हो रहे हैं, तो उसके पश्चात उन्होंने वहां से भी कुछ प्रेरणा मिली, और फिर बाद में टुकड़ो जी ने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों के जरिए पूरे समाज में जन जागृति का कार्य प्रारंभ कर दिया। और 1942 के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वो परिलक्षित भी हो गया। अब देखिएगा कि जैसे ही हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं, तो निश्चित ही तौर पर स्वतंत्रता संग्राम के पीठ पीछे कार्य करने वाला हमारा अंग्रेज आंदोलन जो है, या अंग्रेजों की जो शिष्टाचार पद्धति थी, कहीं ना कहीं हमारे टुकड़ो जी महाराज के उन आह्वानों के प्रति या राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और जिस चैलेंज को वहां की जन सामान्य जनता ने आत्मसात कर लिया, और राष्ट्र संत टुकड़ो जी के आह्वान का परिणाम यह था कि चिमूर रूप से स्वतंत्रता संग्राम को प्राप्त करना, और इसके चलते अंग्रेजों द्वारा उन्हें चंद्रपुर में गिरफ्तार कर लिया, नागपुर और रायपुर के जेल में 100 दिनों तक। मतलब देखिएगा कि 28 अगस्त को उन्हें यदि गिरफ्तार कर दिया गया, तो 28 अगस्त से लेकर 2 दिसंबर 1942 तक उन्होंने उनको नागपुर चंद्रपुर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया, फिर नागपुर और रायपुर के जेल में उन्हें डाल दिया गया। देखिएगा, अब देखिए कि गुरुकुंज आश्रम की स्थापना भी उन्होंने की। तो जैसे कारागृह में छूटने के पश्चात, अब तो वो कारागृह में चले गए, मतलब देखिएगा कि पूरे 100 दिनों तक लगभग वह अपने कारागृह में रहे, जेल में वह अपना कार्य बिताते रहे। लेकिन कारागृह से छूटने के पश्चात टुकड़ो जी महाराज ने सामाजिक सुधार आंदोलन को बहुत तेजी से फैला। मतलब जिस प्रकार की अंधविश्वास की समस्या, अस्पृश्यता की समस्या, मिथ्या धर्म वहां पर था, गो हत्या वहां पर थी, तो इन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ उन्होंने कड़ा प्रहार किया, कड़ा संघर्ष उन्होंने किया।
और उन्होंने नागपुर से 120 किलोमीटर की दूरी पर मोजरी नामक गांव में गुरुकुंज आश्रम की स्थापना की। आपके पास कॉपी और पेन होगा बेटा, आप लोगों को ये जो हम बताते जा रहे हैं तो इसे आप लोगों को लिख लेना अत्यंत आवश्यक होगा कि जैसे ही नागपुर से वो बाहर निकले, मतलब कारागृह से वो बाहर निकले, तो उन्होंने क्या किया, सामाजिक सुधार आंदोलन चलाकर अंधविश्वास को, अस्पृश्यता को, मिथ्या धर्म को, गो हत्या को और इसके साथ तमाम ऐसी सामाजिक बुराइयां उस समय में थी, तो इन सभी बुराइयों के खिलाफ संघर्ष उन्होंने किया। साथ ही में उन्होंने नागपुर से 120 किलोमीटर दूर मोजरी नामक गाँव में गुरुकुंज आश्रम की स्थापना की और जहां उनके अनुयायियों की सक्रिय सहभागिता से संरचनात्मक कार्यक्रमों को चलाया जाता था और आश्रम के प्रवेश द्वार पर ही उनके सिद्धांत अंकित है, इस मंदिर का द्वार सबके लिए खुला है, हर धर्म पंथ व्यक्ति का स्वागत यहाँ पर है, देश और विदेश के हर व्यक्ति का यहाँ स्वागत है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तुकड़ो जी ने अपना पूरा ध्यान ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्य की ओर लगा दिया और रचनात्मक कार्य करने वालों के लिए कई प्रकार के शिविरों का भी उन्होंने आयोजन किया। उनके इसी क्रियाकलापों से अत्यधिक प्रभावकारी और राष्ट्रीय हित से उन्हें जोड़ दिया गया और इतना ही नहीं तो भारत के जो राष्ट्रपति तत्कालीन समाज के रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने गुरुकुंज आश्रम के एक विशाल समारोह में उनके ऊपर अपना स्नेह समर्पित करते हुए आदर के साथ उन्हें राष्ट्र संत के सम्मान से प्रतिष्ठित किया। सवाल आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि राष्ट्र संत के नाम से प्रतिष्ठित तुकड़ो जी महाराज को किस व्यक्ति ने किया, भारत के राष्ट्रपति, फिर भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में अलग अलग नामों की लाइन जुट सकती है और फिर वहां पर नाम आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उनके किए हुए कार्य के प्रति स्नेह समर्पित करते हुए राष्ट्र संत के सम्मान से उन्हें प्रतिष्ठित किया और उसी समय से उन्हें लोग अत्यधिक आदर के साथ राष्ट्र संत के उपनाम से बुलाने लगे। यहाँ तक क्लियर हुआ जी मैम? समझ में आ रहा है जी मैम? समझ में आ रहा है आपको? आप क्या सभी लोग इसे समझ? ओके, ग्राम गीता की रचना। अब देखिएगा कि अपने अनुभवों को और अंतर्दृष्टि के आधार पर राष्ट्र संत ने ग्राम गीता की रचना की, अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों ये, जो मतलब जितना आपको जापान यात्रा के एक्सपीरियंस को आप अभी बुक ऊपर है तो बुक को जब भी हम नेक्स्ट तासिकाओं में आपको पढ़ाएंगे ना तो सही में इंटरेस्ट आना आप लोगों को शुरू हो जाएगा कि कितने प्यारे ढंग से उन्होंने उन सभी चीजों को आत्मसात किया, कैसे वहाँ के लोग जापान के लोग रहते। तो ग्राम गीता की उन्होंने जब रचना की तो उन्होंने वर्तमानकालीन स्थितियों का निरूपण करते हुए ग्रामीण भारत के विकास के लिए सर्वथा नूतन विचार का प्रतिपादन किया। मतलब उन्होंने 1955 में जापान में होने वाले विश्व धर्म संसद और विश्व शांति सम्मेलन के लिए निमंत्रित किया गया और ये जो बात है कि